प्लस टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में हो रही है शुभम और सुहाना की मैरिज। आज रची जा रही है सुहाना की मेहंदी। स्वर्णा सुहाना को अपने हाथों से गहने पहना रही थी, तभी आती है नायरा और कहती है कि वो सुहाना को अपने हाथों से तैयार करेगी। यहाँ सुहाना की सच्चाई कार्तिक और नायरा के सामने आ गई है और अब ये लोग सुहाना की सच्चाई लाना चाहते हैं सबके सामने। नायरा अब सुहाना की पोल खोलने के लिए पूरी तरह से है रेडी और वो अब ये मैरिज की कोई भी रस्म ठीक से होने नहीं देगी। नायरा ने सुहाना के हाथ में उसके होने वाले पति से मेहंदी लगवाई। उसे देख सुहाना को आता है गुस्सा, लेकिन वो जाहिर नहीं करती है। अब कार्तिक और नायरा कैसे करेंगे सुहाना का पर्दाफाश? टेलीविजन की ऐसी खट्टी मीठी खबरें जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा, सबसे पहले तो कार्तिक नायरा से ये जानना चाहेंगे, बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं आप दोनों सुहाना का साथ सबके सामने लाने का, yes. सक्सेसफुल नहीं हो पा रही क्योंकि मेहंदी और संगीत तक बात पहुंच गई है। नहीं, उन लोगों का प्लान ही ये था कि संगीत में हम उन लोगों का पर्दाफाश करेंगे और वही करने की कोशिश में वो दोनों जुटे हुए हैं। इसलिए स्पेशली हम एक दिन पहले उनके घर जाके उन्हें लेकर भी आ जाते हैं ताकि अगर कोई प्लानिंग है तो शायद हमें पता चल जाए, ताकि हम उसे अपनी नजरों के सामने रख सके 24 घंटे, उस पे 24 घंटे नजर रख सके, तो वो कुछ करना चील की नजर। अच्छा, कार्तिक नायर को कुछ सबूत भी मिले हैं, उन सबूतों के बारे में बताइए, एग्जैक्टली क्या सच पता चला है आपको सुहाना के बारे में? हां, देखो मतलब तुम्हें पता है, हमें तो पढ़ के पता चला, तेरे को पता है? दोनों को मिलता है। अच्छा, नायरा को ये पता चलता है कि उन लोगों के जो नाम है सविता, सुहाना और राहुल, ये उनके नकली नाम है। और असली नाम क्या? उनके असली नाम कुछ और हैं, तो वो फिर अब उनके नामों से और सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें फिर कुछ और पता चलता है। वो क्या है? कुछ कुछ आर्टिकल्स आए हैं वो पुराने नाम को लेके, तो उनको देख के उन्हें कुछ कुछ लगता है और फिर कुछ कुछ होता है। तो वो सारी चीज़ें पता चली, लेकिन उससे पहले जो रस्में हो रही है वहाँ पर भी नायरा जो है वो हर रस्म में टांग अड़ा रही है, नहीं चाहती कि कोई भी रस्म बराबर हो या कोई भी रस्म में वो गैर फ़ायदा उठाए। नायरा को और कार्तिक को, दोनों को ये बात तो पता चल गई कि वो बहुत ग्रीडी है, उसकी नज़र हमारे पैसों पे है, हमारे गहनों पे है, तो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि किसी को बुरा भी ना लगे और जो वो चाहती है वो भी ना हो पाए। अच्छा, जैसा आपने कहा कि गहनों पर नजर है सुहाना की, लेकिन वही गहने तो आप अपने हाथों से पहना रही हैं सुहाना को, इसके पीछे क्या राज है? वो नकली है। उसके पीछे भी नायरा का प्लान ही है, क्योंकि इसी बहाने नायरा सुहाना को जाके कुछ कहती है और सुहाना काफी नर्वस भी हो रही है अब, जैसे जैसे टाइम आ रहा है और लाइट भी आ गई है। क्या बात है। एक लास्ट सवाल, अपनी लुक के बारे में कुछ बताइए। 20 किलो का बहुत ही सुंदर ये लहंगा है, आई लव द कलर एंड द कॉम्बिनेशन इज़ वेरी नाइस, ये कॉन्ट्रास्ट जो ब्लैक दुपट्टा के साथ, इट्स वेरी नाइस, वेरी डिफरेंट, ऐसा लहंगा नायरा ने अभी तक पहना नहीं है और इट्स वेरी न्यू एंड वेरी नाइस। मेरे भी कपड़े बहुत अच्छे हैं।